वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गोभी आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल टेम्पटिंग गोभी आलू की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देख सकते हैं हमारी जो गोभी आलू की सब्जी है वो कितनी अच्छी कलर से आया है और खुशबू भी कितना अच्छा आ रहा है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की टेम्पटिंग रेसिपी को स्टार्ट करें। फूल गोभी ले लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको धो के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आलू को भी धो कर काट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से। छोटे साइज के प्याज को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 के जी हरी मिर्च की, 3 से 4 इलायची, 2 बड़ी इलायची। और इन दोनों को मैं पेस्ट कर लेती हूँ फटाफट में। कढ़ाई रख लिया था, कढ़ाई को गर्म होने के बाद मैंने इसमें तेल डाल लिया था। तेल को गर्म होने देखो, यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें गोभी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोभी को डाल दिया है। गोभी को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो थोड़े थोड़े गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। आलू को भी थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो गोभी हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने उसको निकाल लिया था। और यहाँ पे आलू को डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोभी और आलू को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट भी बना लिया है। उसी कढ़ाई में बनाएंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई का पेस्ट को डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच गरम मसाला। और इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जब तक इसका तेल नहीं निकल जाता। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें हम गोभी को डाल देंगे, गोभी और आलू को, और एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट टिप बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी ले लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था 1 से 2 मिनट बाद। और अब उसको धो रही हूँ। इससे बहुत अच्छा खुशबू भी आता है और टेस्ट भी बहुत आता है। ये सीक्रेट तरीका हलवाई यूज करते हैं अपने रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसको हमारी जो सब्जी है उसमें स्प्रेड कर दूंगी और इसको 4 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाएंगे। 6 मिनट जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो गोभी आलू की सब्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है गाइस और कलर भी बहुत अच्छा है। तो फटाफट से इसको सर्व कर लेती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेस्टी गोभी की जो सब्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।